60 साल के बाद का काम जीवन, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ये आज का टॉपिक है, इसके बारे में आपको कुछ भी सवाल होंगे या कुछ भी पूछना होगा तो हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ सवाल जवाब कर सकते हैं। वहाँ फ्री चैटिंग उपलब्ध है। वैसे हमारे ऐप में ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध है, फ्री वीडियोज भी है, उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। 60 साल के बाद के काम जीवन के बारे में बात करते हैं। 60 साल के बाद काफी सारे फैक्टर्स सेक्स लाइफ में आते हैं। जैसा समझो डायबिटीज हो सकता है, मधुमेह की बीमारी, शक्कर की बीमारी, जिससे सेक्स के ऊपर बुरा असर होता है, उल्टा असर होता है। ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप और उसकी दवाइयां। जोड़ों का दर्द है, इसलिए प्रॉब्लम आते हैं सेक्स करने में। फिर काफी सारा फैट जमा होता है पेट के ऊपर, लिंग के ऊपर, तो काफी सारा फैट जमा है, इससे फिर बहुत ज्यादा वजन है और उससे फिर सेक्स करना मुश्किल हो जाती है। फिर शराब का व्यसन, सिगरेट का व्यसन, उसके जरिए मतलब सेक्स के ऊपर असर होता है। कोई शारीरिक बीमारी हो सकती है जिससे फिर तंदुरुस्त नहीं, फिट नहीं है और उसका प्रॉब्लम सेक्स के ऊपर हो सकता है। फिर बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, घर में प्राइवेसी नहीं है, पति पत्नी का मिलना आसान होता नहीं है, बच्चों के बच्चे हो सकता है कि वो पास में आते हैं, पत्नी को बीमारी हो सकती है, पत्नी की इच्छा नहीं है। फिर ताकत कम होना, मतलब टायर्डनेस है, थकान है, निराशा, डिप्रेशन है, आगे कैसा होगा, कोई बीमारी होंगी क्या। फिर उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी है, सब कुछ ठीक है, अभी जो बताया वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए, मगर किसी का समझो ऐसा होता है कि पत्नी का निधन हो गया। अब पत्नी का निधन हो गया, मृत्यु हो गई, अभी क्या करना है सेक्स का, वो भी एक प्रॉब्लम को हो जाता है। अभी इसमें दो मत प्रवाह है कि दोबारा शादी करना या नहीं करना। क्या होता है कि शादी करना है डबल से तो फिर औरत कैसी मिलेंगी, उसको कैसी रहेंगी, उसकी दोबारा शादी होगी होंगी या बाद में बच्चे तो होना ही नहीं है, समझो ऐसा होता है तो बच्चे होंगे भी नहीं, उसकी उम्र क्या है, पत्नी जो नहीं होंगी दूसरी उसकी उम्र क्या होंगी, फिर वो अपने एडजस्ट होंगी कि नहीं होंगी। बच्चे बड़े रहते वो हाँ नहीं बोलते, उनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी में और एक व्यक्ति आ जाएगा हिस्सा मांगने के लिए, इसलिए बच्चे नहीं बोलते हैं। तो फिर ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर करना क्या है, ऐसे इसमें सेक्स की इच्छा है, भूख है सेक्स की, पत्नी नहीं है या पत्नी के प्रॉब्लम्स है और वो कोऑपरेट करती नहीं है सेक्स को, तो फिर करना क्या, फिर क्या बाहर बाहर फ्रेंड के पास में जाना, बाहरी संबंध रखना। अच्छा, बाहर संबंध रखते हैं तो फिर समाज में बदनामी होंगी क्या, समाज क्या बोलेगा। फिर बाहर जाते हैं तो कोई गुप्त रोग या ऐसा कोई बीमारी हो गई तो क्या करना, मतलब उसके बारे में भी रहता है लोगों में। फिर बाहर में गया तो फिर वो यदि वहाँ मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, वो भी लोगों के दिमाग में आता है ना कि मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, मेरी इज्जत का सवाल, कभी नहीं हो गया तो नहीं हुआ बराबर सेक्स को, मतलब ये भी लोगों के दिमाग में, तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं। कोई बोलता है कि नहीं शादी नहीं करनी चाहिए दोबारा, कोई लोग बोलते कि शादी करनी चाहिए, शादी किया तो क्या प्रॉब्लम है। आपको पत्नी ऐसी मिल सकती है कि जिसका पति का निधन हो चुका है और वो भी चाहती है कि कोई अपने को पार्टनर मिले, तो शादी 60 साल की उम्र में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर घर में अभी हमारे थे, उनके घर में काफ़ी विरोध हो रहा था, आपस में काफ़ी सारे झगड़े चालू थे क्योंकि बच्चे बड़े हो गए और वो विरोध कर रहे शादी को अपने पिताजी को, क्यों बोलते नहीं अभी शादी मत करो, और बोलते कि नहीं मुझे शादी करना है क्योंकि मुझे कोई पार्टनर चाहिए। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई उनकी शादी हो चुकी है बच्चों की, अभी बोलते कि मेरे पिताजी ने शादी करना और कोई और औरत घर में लाना, तो उनको भी ठीक नहीं लग रहा था, वो समाज के दृष्टि से ठीक नहीं लग रहा था। फिर पिताजी बोले ठीक है, मगर मैं मेरी जो इच्छा है, मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे सेक्स पार्टनर चाहिए, वो कहाँ से पूरी करूँ। तो उनके काफ़ी आपस में झगड़े होते थे और यहाँ तक कि फिर उसमें उनके जो पिताजी थे उनको मानसिक बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गया, उसमें उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट किया। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो 60 साल के बाद में काम जीवन में आती है। फिर सही क्या है, तो सही क्या है और गलत क्या है पता नहीं, लोगों ने अपना अपना निर्णय लेना जरूरी है कि भाई मैं तंदुरुस्त हूँ क्या, मैं सेक्स कर सकता हूँ क्या, मैं शादी कर सकता हूँ क्या, शादी करने के बाद में जो लेडी आएंगी उसको मैं सुखी रख सकता हूँ क्या, क्योंकि उसकी भी इच्छा होगी सेक्स की, और हम सेक्स ही नहीं कर पाए तो फिर क्या, सिर्फ पार्टनर करके लाने का है क्या शादी करके। इसे काफ़ी सारे सवाल लोगों के दिमाग में आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं भी 60 साल की उम्र आपकी हो गई, आपके बच्चे बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, आपने काफ़ी सारे एंजॉय कर लिया है, लाइफ में एंजॉय किया, सेक्स लाइफ एंजॉय किया, अब अभी आप सोशल वर्क में लगो, स्पिरिचुअल काम करो, मंदिर में जाओ,
कीर्तन मंडली में ज्वाइन हो जाओ और अपना आराम करो। फिर अभी अभी आप प्राउड नागरिक हो गए, अभी सीनियर सिटीजन हो गए, अभी वहाँ को करो। तो ऐसे अलग अलग मत प्रवाह हो सकते हैं। निर्णय जो है वो सभी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर खुद को लेना पड़ेगा, अपने आप को लेना पड़ेगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सभी जो प्राउड नागरिक जो है, सीनियर सिटीजन जो है, ज्येष्ठ नागरिक, उनको सबको ये शेयर करो और बाकी लोगों को भी शेयर करो ताकि वो अपना प्लानिंग कर सकेंगे कि भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा, 60 साल मेरी उम्र हो जाएंगी, मेरी सेक्स की ड्राइव कम है, सेक्स की ताकत कम है, दिमाग में विचार बहुत है या डायबिटीज हुआ है, तो अभी मैंने क्या करना चाहिए सेक्स लाइफ में। ऐसे सवाल लोगों को आते होंगे तो उनको ये वीडियो जरूर काम में आएगा। थैंक यू वेरी मच।